सारे उम्मीदों पे स्नोफॉल हो जा रही है, कल से आया स्नोफॉल ही हो जा रही है। एक बार ट्रेन का वेट कर लेना चाहिए, सारी पॉसिबिलिटी 2 घंटे। अरे सही है, ग्रेविटी ने 2 घंटे में इनको शिमला से यहाँ पे पहुँचा दिया। आपको स्नो चाहिए थी ना, आपको इतनी स्नो मिली है कि कह रही है भाई मेरे पास ही रहो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से आना। हाँ आराम आराम से निकलना भाई, आराम आराम से, लेकिन आराम से, लेकिन गिर मत जाना। चलो भाई मंदिर जी, अपना तो हो गया कट्टा। कैसा लग रहा है निकिता जी? हाँ सही है, जो है अच्छा है। हम ना स्टेशन, हमने ना मजे बहुत लिए ना यार, हम इतना आलस। जब भी यहाँ आए और स्नोफॉल हो रही हो तो ट्रेन इज द ओनली ऑप्शन, और 10 बजे तक ही ट्रेन है, सुबह 10 बजे तक। तो हमने ना जो पीछे वाला स्टेशन था जहाँ पे हम पैदल चल के गए थे, वहाँ पर तो ट्रेन रुकती नहीं है, जो ट्रेन ऑप्शन देख रहे थे। तो अब एक नीचे जा रहे हैं और ज्यादा, जहाँ पे स्टेशन पे एक ट्रेन रुकती है वो आखिरी ट्रेन होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो चले गए तो ठीक है, नहीं चले गए तो भी ठीक है, अपना बस सही है, जैसा तैसा चल रही है रास्ता। यहाँ पे रुके हैं क्यूनू का जूस पीने के लिए, और यहाँ पे था जाम तो हमने सोचा रुक के क्यूनू का जूस पी लिया जाए, बीच में मन कर रहा था ऐसे ही, निकिता का भी मेरा भी। तो यहाँ पे जूस पीते हैं फिर और आगे निकलते हैं। अभी एक हॉप और है वहाँ पर जाने के, शिमला जाने के लिए। आज नीचे 1 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, वहाँ पर हमें टिकट मिल गई या ट्रेन रुकी हुई मिल गई तो हम लोग जा सकते हैं, एल्स हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो चल के देखते हैं कि कैसा रहता है। मज़ेदार। सही है। तो वैसे प्लान था कि हम आधा आधा ही पी लेंगे, निकिता पूरा पी गई, मैं भी पूरा पीने वाला हूँ ग्लास, या मैं करण को थोड़ा दे दूँगा, वो कह रहा था उसे टेस्ट करना है। वैसे हाजमा सा हो जाता है तो अच्छा लगता है यार, मौसम बहुत अच्छा है, अभी गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, 3 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, हमें रात ने ट्रेन कर दिया है कि भाई दो, एक की जगह दो कर देना। तो हमारी जो लास्ट होप है कंडा घाट स्टेशन, वहाँ पर रुके हैं, वहाँ पे हम ढाबा पे लंच कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वेज मोमोज और राजमा चावल ले रहे हैं, तो बस यही हमारा लंच होने वाला है। फिर 3:15 की ट्रेन है, आधा घंटा पड़ा हुआ, जल्दी से खाकर निकलते हैं, देखते हैं ये कैसा लगता है। मोमोज बहुत सही बना रहे हैं आंटी, और ये मोमोज बनाने के लिए बस मशीन भी है जिससे जो आटा बेला जाता है, बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। कैसा लग रहा है मोमोज आप लोगों को, कैसा लगा? अगर आप देख पाओ तो करण ऋतु आ रहे, गाड़ी में से कुछ सामान लेने गए थे, यहाँ पर हम पहुंच गए। व्यू एकदम जबरदस्त हमेशा की तरह, व्यू बहुत अच्छा है, मजा तो बहुत आया, ये ट्रिप हमारी सक्सेसफुल थी। हाँ जब तक थोड़ी सी स्ट्रगल ना हो, कुछ हो ना हो तो ऐसा लगता है, करके भी बहुत मजा आया, ये नहीं कह सकते ट्रिप पे मजा नहीं आया, मजा बहुत आया। बस ये है कि अब अपन को एक बार ट्रेन का वेट कर लेना चाहिए, सारी पॉसिबिलिटी हमें। हाँ ये लास्ट होप है, यहाँ से हम स्टेशन पे आ गए, और इस स्टेशन पे अगर हमें ट्रेन मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिलेगी, फिर क्या उखाड़ लेंगे हम, फिर हम सीधा घर जाएंगे या फिर घूमेंगे कहीं और। 4:30 बजे की ट्रेन है और 3 बज चुके हैं। स्टेशन पे बहुत सारे लोग आए हैं विदाउट रिजर्वेशन हमारी तरह, तो सब कुछ डिपेंड करता है टीटी भाई साहब के ऊपर, अगर उन्होंने हमें जाने दिया तो हम चले जाएंगे। ये कांडा घाट रेलवे स्टेशन है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1433 मीटर है, 1433 meters, सही है। इतनी हाइट वाले रेलवे स्टेशन पे पहली बार मैं आया हूँ, नहीं इससे ऊपर वाले भी तो गए थे, स्टेशन पे तो जा चुके हैं, लेकिन ट्रेन तो आज तक मिली, तो अभी भी नहीं मिलेगी शायद, बिल्कुल भी होप नहीं है, क्योंकि बहुत लोग आज जाना चाहते हैं, तो टॉय ट्रेन में भी तो उनको भी तो अपना एक लेवल ऑफ सर्विस मेंटेन करना है, थोड़ा कि सबको ले जाएंगे, तो देखते हैं कि कैसा रहता है अपना। फास्ट एंड फ्री वाईफाई अवेलेबल हेयर, सही है, बढ़िया है यार, ये बड़ी सही है काट। और चढ़ाते हैं तो कैसे? अभी आप कहाँ से, शिमला से लेकर आए?
शिमला से इसी में आए, कितना टाइम लगा? 2 घंटे। अरे सही है, ग्रेविटी ने 2 घंटे में इनको शिमला से यहाँ पे पहुँचा दिया, और ट्रेन में लगता है यहाँ से 1.5 घंटे, 2 ही घंटे लगते हैं। 3:30 से 5:30 कैंटीन। तो आंटी से हम बात कर रहे थे, आंटी ये यहाँ पे, आंटी ये कैंटीन आपका ही है? कितने सालों से यहाँ पे कैंटीन चला रहे हैं? 50 साल। 50 साल से ये, और ये स्टेशन है कितना पुराना? जब से बना है तब 1903। अरे वाह, सेंचुरी हो गई है मतलब। सही है। तो आंटी ये सुबह किस टाइम से किस टाइम तक आप यहाँ पे रहते हैं? ठीक है। यहाँ पर स्टेशन पे सबसे जो नीचे से ऊपर जाती है ट्रेन शिमला पे, वो कितने बजे तक आती है लास्ट ट्रेन? यही है जो 3:15 बजे 3:30 बजे जो आती है, यही सबसे लेस्ट है। इसके बाद शिमला से 8:30 बजे यहाँ पर आती है शिमला से, वो 7 बजे चलती होगी शिमला से, 6 बजे चलती है, 2.5 घंटा लग जाए। तो अभी ये जो ट्रेन जाएगी तो ये 2.5 घंटे लगा देगी ऊपर पहुँचने, 2 घंटे में। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय है। ये हमारी लास्ट होप आती हुई, हमारी लास्ट होप जो हमें इस रास्ते पे ले जाएगी, और ये रही ट्रेन। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। साइड हुआ कि हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारी लास्ट होप ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि जो फाइन ये बता रहे हैं वो याद है 530 रुपीज पर टिकट मिल रही है, वैसे 70 रुपीज चार्ज होता है, तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो यही डिसाइड हुआ है कि हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि पहले भी हमारे होटल का खर्चा हो चुका है याद है, जो हमें हम वो कर पाए, ट्रेन चल दी बस यहाँ से। ये हमारी होप जाती हुई ग्रीन झंडा दिख गया है, लेकिन हमें नहीं मिला है। हाँ सही है, मुझे स्नोफॉल देखनी थी, वो देखा। गुफा देख रहे हो? उसी में से जाएगी। हाँ मैं देख रहा हूँ, देखा देखा। इनका चलान कट रहा है यहाँ पर ट्रेन में स्मोक करने का। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, लगेज। डीजल इंजन हो सकता है। हाँ डीजल इंजन ही लग रहा है। हाँ बंद कर दो। टन टडा। चलो सही है, बढ़िया। बाय ट्रेन, बाय कर दो बाय ट्रेन को, बाय ट्रेन, हमें नारे जाने के लिए धन्यवाद। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग घर वापस निकल रहे हैं, तो हो गया अपना ट्रिप। हमारा स्नो देखने का ही मन था सबसे ज़्यादा, तो हमने देखी ही नहीं, खेला भी उसके साथ तो अच्छा था। तो अब यहाँ से हम निकलने का प्लान कर रहे हैं। व्यू मेरे पीछे बहुत ही अच्छा है, फोकस नहीं हो रहा होगा शायद, दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। मेरे पास नहीं है चाबी, उनके पास है। हाँ तो ये रही अपनी गाड़ी, गाड़ी के हालात थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी घिसी हुई है, पर ठीक है, मजा आया। तो हमारी ट्रिप होती है यहीं पे खत्म, और हमें मजा तो बहुत आया है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फिर आएंगे, हम ट्रेन करेंगे, ट्रेन से जाएंगे। करण ने बोला हम सब ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से सफर करेंगे हम अपना पूरा का पूरा, आना जाना ट्रेन, क्यों? बट मजा आया। हाँ बस मजा बहुत आया हम लोगों को। सुनिए आपको कुछ
है? हाँ जी बहुत सारा। हाँ बोलो। ट्रिप में बहुत मजा आया, अभी खत्म नहीं है, खत्म तो घर जाके होगी क्योंकि अभी नहीं मालूम क्या सरप्राइज हो रास्ते में हमारे लिए, कुछ अच्छा कभी बुरा, लेकिन आई होप अच्छा ही हो सबके साथ। तो अभी हम बस घर की तरफ निकलनी है, 7 घंटे कुछ मिनट दिखा रहा है रास्ते में, रुकते आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, कल संडे है अपना, आराम से धूप एकदम सनशाइन एकदम, देखते हैं रास्ते में कैसा वो मिलता है। अभी मुझे मैप में तो दिख रहा है कि थोड़ा सा रास्ते में जाम है, बाकी देख के पता चलेगा कि कहाँ हम पहुँचते हैं आज 12 बजे से पहले। चलो ये वही जगह है जहाँ पे अपन लोग कल रुके थे, जहाँ पे हमने मैगी खाया था। कुछ और खा रहे हैं यहाँ बैठ के, फिर कुछ खा रहे हैं। यार देखो कि एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा पूरा इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी वहाँ पे, देखो अभी भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, देखते ही देखते स्नोफॉल और तेज हो गई है यार। हमारी गाड़ी पे भी जमने लगी, इन गाड़ियों पे देखो कितना सही लग रहा है। वहाँ पे अपन वॉशरूम गए थे, पूरा क्लीन हो गया है, पूरा का पूरा एकदम क्लीन हो गया है, नो का नामो निशान नहीं रहा, पिघल गई, 7 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो हमें गर्मी नहीं लग रही है, हमें ठंडी लग रही है। अरे कितना सही लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, पहाड़ों की रात भी बहुत सही।